युवा शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा होली पर्व पर चित्रकार मनोज पवार की कलात्मक रंगोली प्रदर्शनी 17 एवं 18 मार्च को शालिनी रोड स्वर्णकार धर्मशाला के सामने लगाई जाएगी। प्रदर्शनी राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर आधारित है। दोनों दिन शाम 6 बजे से शहरवासी प्रदर्शनी को निहार सकेंगे। कलाकार मनोज पवार ने रंगोली प्रदर्शनी में विमान दुर्घटना में शहीद हुए देश के गौरव सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी प्रकार स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर का चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी है। अन्य विषयों में गोरी संघ शिव की होली, प्रभु कीर्तन, दृश्य चित्रण, लावण्या, रंग खेलता बालक, बालहट आदि का चित्रण रंगोली के माध्यम से किया गया है। विगत 2 वर्ष से तो कोविड में कोरोना के कारण होली शहीद भगत सिंह क्लब मना नहीं पाया और हम रंगोली का प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब चूंकि लगभग कोरोना यहाँ से विदा हो चुका है भारत से, तो इस वर्ष क्लब ने वापस विचार किया कि इस बार अपन जो एक देवास की परंपरा है अपनी प्राचीन होली पर रंगोली, तो इस बार फिर से ये हम इस वर्ष 10वां वर्ष है हमारा। मैं कलाकार मनोज पवार और इस बार का हमारा सब्जेक्ट है मेन ये पूरी रंगोली की प्रदर्शनी। हमने जो देश को सबसे ज़्यादा 2 क्षति हुई है, एक तो लता मंगेशकर है ना, जो भारत का स्वर जिनको बोला जाता है, और जनरल सीडीएस विपिन रावत साहब जो शहीद हुए, तो ये पूरी एग्जीबिशन उस शहीद को मैंने समर्पित की है। 10 कार्य इसमें मैंने बनाए हैं, इसमें विपिन रावत साहब का पोर्ट्रेट बनाया है, लता मंगेशकर का मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाया है, उनको श्रद्धांजलि दी है, फिर ऋतुराज बसंत मैंने बनाया है, एक बालहट बच्चे जीत करते हैं रो रहे हैं वो एक उसका दृश्य मैंने बनाया है, एक बालक जो रंग खुद पे ही डाल रहा है और अपना खुशी का इजहार कर रहा है, इस तरह मैंने अलग अलग 10 विषय चुना है। एक महाराष्ट्रीयन पैठनी जो साड़ी रहती है मैं उसका भी एक रंगोली बनाऊंगा, और एक महाराष्ट्रीयन लेडी मैंने बनाई है उसमें गोल्ड का जो काम होता है पूरा गोल्ड बुरादे से मैंने उसका पूरा ज्वेलरी का काम किया है, और लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम को सहारा है। और इस वर्ष अभी मैंने कुछ 1 माह पहले ही मैंने अपनी माँ को खोया है, पर मैंने ये रंगोली इसलिए बनाई कि लोगों ने भी कोरोना के कारण परिवार के किसी न किसी सदस्य को उसने खोया है, तो मैं अपनी रंगोली से उनके दुख दूर यदि कर सकूँ तो मेरा ये रंगोली बनाना सफल रहेगा। भगत सिंह क्लब हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रंगोली का आयोजन करने जा रहा है। भगत सिंह क्लब के हमेशा अच्छे कार्य करने में अग्रणी रहता है। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि भगत सिंह क्लब के आयोजन सतत आयोजन होते रहे, इसमें प्रशासन का जो गाइडलाइन है गाइडलाइन का पूरा पालन किया और प्रशासन को आश्वस्त भी किया कि भगत सिंह क्लब प्रशासन के साथ भी है और पब्लिक के साथ भी है। इस वर्ष हम मनोज पवार द्वारा जो रंगोली का आयोजन भगत सिंह क्लब का परिवार का सदस्य है, उस परिवार के सदस्य के नाते मैं इस वर्ष जो सोनी समाज जो हमेशा भगत सिंह क्लब को जो सहयोग करता है उसमें बाहुबली बीके अतुल सेठ और ये परिवार हमेशा हमारे साथ रहा है, तो हमारी परंपरा जो एक जीवित रखने के उद्देश्य हम हर वर्ष कर रहे हैं इसमें ये लोग भी सहभागी है। भगत सिंह क्लब, युवा भगत सिंह क्लब विपिन रावत जी की जो देशभक्त एक देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करते हुए पूरी रंगोली के प्रदर्शनी के प्रथम अर्पित की गई है, उसमें लता जी का जो इंदौर की रहने वाली है भगत सिंह क्लब ने जो श्रद्धांजलि दी है, हम देवासवासियों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं इस रंगोली का आयोजन में सफल बनाने के लिए इस रंगोली का आयोजन अवलोकन करें। मैं भगत सिंह की ओर से सबको आमंत्रित करता हूँ, सब आए, माता और बहनें, सभी व्यापारी बंधु सब मिलकर ये अब देवास की परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से सब इस रंगोली का अवलोकन करें।